दोस्तों स्वागत है आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। आज मैं आपके सामने एलटी एग्ज़ाम 2018 में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होने जा रहा है उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, उससे उसको लेकर ही मैं ये हर सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। जो 30 क्वेश्चन आएंगे लगभग ज्योग्राफी ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी का पोर्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सब प्रश्न आएंगे। इसी को लेकर भारत का भूगोल महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। इसमें लिखते हैं सबसे पहले भारत के बारे में। ये भारत का मानचित्र आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस पर संकेत मैंने बना दिया है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। मतलब इधर का जो हिस्सा ये पूरब है भारत के मानचित्र का, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और दक्षिण है। चलते हैं। सबसे पहले भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। सिंपल प्रश्न, ध्यान रखना। चलते हैं हम। भारत में जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। कुल मिलाकर कितने प्रदेश हो गए? कुल मिलाकर कितने हो गए? 36 प्रदेश हो गए। कितने प्रदेश हो गए? 36 प्रदेश हो गए। तो भारत में 36 प्रदेश हैं। 2 जून 2014 को से पहले भारत में 28 राज्य थे। एक तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। तो भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, जो यहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप जानते ही हैं, सिंपल है। उसके बाद अब भारत के पूरे भौतिक बनावट की बात हम कर लेते हैं। भौतिक बनावट की बात कर लेते हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये वर्ग किलोमीटर का आप मतलब समझते हैं। वर्ग किलोमीटर का मतलब लंबाई और चौड़ाई सब मिलाकर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। विश्व में कौन से स्थान पर है भारत? 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर आपको पता ही रूस है, वो भी पढ़ेंगे हम क्रम बाद में। मैं बता दूँ आपको, भारत का विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42 क्षेत्र रखता प्रतिशत क्षेत्र भारत रखता है। विश्व का जो 100% क्षेत्र है उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.42 है। कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। अब भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत की जनसंख्या भी ले लेते हैं। भारत जो एशिया 7वें नंबर पर विश्व में जनसंख्या में 2रे नंबर पर है। जनसंख्या जो है भारत की, जो 1 अरब भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? यहाँ जनसंख्या हम अलग से भी पढ़ाएंगे, मगर यहाँ समझ लेते हैं। जो जनसंख्या है भारत की वो 1,21,08,54,977 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये कुल जनसंख्या, जो विश्व के 17.5% क्षेत्र का निर्धारण करती है। विश्व की जो 100% जनसंख्या है उसमें भारत का जो है प्रतिशत है 17.5%, और चाइना जो है 19.5% रखता, जो पहले नंबर पर है। क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ थी। अब चलते हैं, भारत की लंबाई ले लेते हैं पहले, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर और जो भारत की कन्याकुमारी तक लंबाई है। भारत की कुल लंबाई, प्रश्न आता भारत की कुल लंबाई कितनी है,
तो याद रखना आपको भारत की कुल लंबाई, यहाँ पर लिख लेते हैं, कुल लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये हो गई आपकी ये लंबाई। और भारत की चौड़ाई, इधर गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत की चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना, एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है, ये लंबाई और चौड़ाई हुई। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में है, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो यहाँ अंडोबार निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। याद आ, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, जो मैंने यहाँ बनाए दिया आपको देख सकते हैं, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब भारत का पूर्वोत्तर बिंदु जो पूरम में स्थित है, ये आपका है यहाँ पर, इसको बोलते किबूथी, किबूथी, किबूथी। और पश्चिमोत्तर बिंदु है गोरमोथा, गोरमोथा, गोरमोथा नहीं, गोरमोथा। ये गुजरात में है, वो अरुणाचल प्रदेश में। ये उत्तरतम हो गया, एक दक्षिणतम, पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर बिंदु भारत का। भारत के दक्षिण में एक सागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण पूरब में, ये दक्षिण और इधर पूरब, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये वाला हिस्सा में, यहाँ पर यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर का ही हिस्सा है। और यह है आपका दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इधर देख रहे हैं आप बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है भारत। प्रश्न पूछा जाता है, हिंद भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हिंद महासागर के शीर्ष पर, देखो हिंद महासागर के शीर्ष पर। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। मतलब धरातल का कोई भी ऐसा क्षेत्र, मानो ये क्षेत्र है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, इधर से भी समुद्र, तीन ओर से जल से घिरा हुआ, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ हो उसको द्वीप बोलते हैं। तो भारत प्रायद्वीपीय देश है, भारत का दक्षिण हिस्सा प्रायद्वीपीय, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ। भारत की स्थिति चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। एक चीज और, भारत के कुछ पड़ोसी देशों के नाम और यहाँ देख लेते हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, और उत्तर में आपका अफगानिस्तान है, और फिर यहाँ नेपाल है उत्तर में ही, नेपाल से ऊपर चाइना है, चीन, और ये पूरब के पास ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ पर ये म्यांमार है, और नीचे आपको दिख रहे हैं ये आपका श्रीलंका, और एक यहाँ देश है मालदीव। ये समुद्री पड़ोसी देश है मालदीव। यहाँ एक भारत का द्वीप है लक्षद्वीप, जो केंद्र साथ लक्षद्वीप, ये अंडोमान निकोबार द्वीप से, ये मैंने आपको बताया था। तो भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से मिलती है, आप दे सकते हैं सीमा, म्यांमार एक, भूटान दो, नेपाल तीन, चाइना चार, अफगानिस्तान पाँच, और पाकिस्तान छः, और म्यांमार एक, बांग्लादेश दो, और भूटान तीन, नेपाल चार, और चीन पाँच,
अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7, 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और समुद्री सीमा जो जो देशों के पड़ोसी देश हैं वो श्रीलंका और मालदीव है। अब किस देश से की सीमा कितनी, सबसे ज़्यादा सीमा कितने किलोमीटर किस देश से लगती है? सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा भारत की मिलती है वो बांग्लादेश से मिलती है। भारत के सबसे ज़्यादा स्थलीय भारत का जो पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा जो सीमा का जो विस्तार है किस देश के साथ फॉलो करता भारत, वो करता बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है भारत की? 4096.7 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर किससे लगती? चाइना से लगती, जो कितनी है वो है 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद किससे लगती तीसरे नंबर पर? पाकिस्तान से, जो पश्चिम में यहाँ से लेकर आपकी गुजरात से और उधर जम्मू कश्मीर तक भारत की सीमा पाकिस्तान से कितनी लगती? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा। तो तीसरे नंबर पर सीमा लगती, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से। फिर उसके बाद नेपाल से भारत की सीमा कितनी लगती है? नेपाल से लगती है आपकी 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार से लगती, म्यांमार से कितनी लगती है? इधर है म्यांमार, म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा। फिर उसके बाद भूटान से लगती, ये भूटान आपको दिख रहा है, इससे कितनी लगती है? इस 699 किलोमीटर सीमा भारत की इससे लगती। और सबसे कम लगती है आपकी अफगानिस्तान से, जो उत्तर में है, अफगानिस्तान से, वो कितनी है? 106 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा सीमा भारत की किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती, 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। और आज के लिए इतना ही, अब थोड़ा सा इस पर जगह भी नहीं रही पेज पर, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जिस ये जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो LT एग्ज़ाम के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी ज्योग्राफी से अलग कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको ज़रूर देखें। आगे आप सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न आएंगे उसमें से कई पोर्शन मैं आपको कराऊंगा, उसमें से भारत के भूगोल की बात मैंने की है, उसमें मैं आपको नागरिक शास्त्र के भी और नगरीकरण से भी, जनसंख्या से भी, पर्यावरण से भी ये प्रश्न मैं आपको महत्वपूर्ण कराऊँगा। यहाँ से 1-2-4 प्रश्न LT में पूछे जाएंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसे सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।